नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेलिंक्विशमेंट डीड यानी कि हक त्याग पत्र के बारे में आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब कभी भी कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात आती है तो वहां पर कोई ना कोई सदस्य जो अपना हिस्सा पाने में इच्छुक नहीं होता, वह अपना उस संपत्ति के अंदर हक त्याग कर देता है। बेसिकली दोस्तों, हक त्याग का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति जिसका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक लिमिटेड हिस्सा बनता है, अगर वो अपना उस हिस्से को लेने के लिए राजी नहीं है तो वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा त्याग देता है, यानी कि हक को त्याग देता है। इसी वजह से इसको हक त्याग पत्र कहा जाता है। अब दोस्तों, बहुत समय से ऐसी प्रथा चलती आ रही थी कि जब बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था तो इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से उनसे हक त्याग करवाकर संपत्ति से उनको बाहर कर दिया जाता था। अब दोस्तों, जो आज की मैं जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वहां भी एक बेटी और बेटे यानी कि भाई बहन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है, जहां पर बेटी का हक त्याग हो चुका है। हो सकता है आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो, जहां पर आपकी दादी, बुआ, आपकी बहन संपत्ति में अपना हक त्याग करके बैठी हो। यहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही निर्धारित किया कि अगर एक हक त्याग पत्र जो कोई व्यक्ति बनवा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, यानी कि उस दस्तावेज को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, और अगर कोई ओरली रूप से यानी कि मौखिक रूप से हक त्याग हुआ है तो उसको कानूनी रूप से वैलिड नहीं माना जाता। अब ये दोनों चीज, इसके अलावा चार रिलेटेड जजमेंट जिसमें से दो सुप्रीम कोर्ट की और दो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू अपना केस पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, कोई और लीगल एडवाइस आप हमारे थ्रू पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेलिंक्विशमेंट डीड होती क्या है। देखिए, इस टॉपिक पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं रेलिंक्विशमेंट डीड के बारे में। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वह संपत्ति जो आपने खुद ना कमाई हो, आपको अपने पिता, दादा, परदादा की तरफ से मिल रही हो और अभी तक उस संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ऐसी कंडीशन में अगर एक व्यक्ति अपना हिस्सा त्यागना चाहता है, अपना हिस्सा रेलिंक्विश करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एक रेलिंक्विशमेंट डीड बनवानी पड़ती है। वैसे तो माध्यम और भी है, सेल डीड कर सकता है, गिफ्ट डीड कर सकता है, पर यहां पर उनको एक भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ जाती है, जबकि रेलिंक्विशमेंट डीड के अंदर उन्हें इन स्टैंप ड्यूटी को पे करने से छूट मिलती है बिकॉज ये उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है और वो ब्लड रिलेशन में ही इस रेलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो रेलिंक्विशमेंट डीड से क्या होगा, जितना भी एक व्यक्ति का लिमिटेड हिस्सा होगा उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, वो अपना हिस्सा उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर छोड़ देगा। उसके बाद जब उस व्यक्ति का हिस्सा उसमें छोड़ दिया गया तो जितने भी बाकी सदस्य उस हिस्से के दार बनते हैं, जितने भी बाकी हिस्सेदार उस संपत्ति के अंदर बचते हैं, उन सभी को वो हिस्सा बढ़कर अपने हिस्से के रूप में मिल जाएगा। इसी को रेलिंक्विशमेंट कहा जाता है। अब दोस्तों, कई बार लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करते हैं कि सर 2005 से पहले की बात है, जब हमारी बुआ ने, जब हमारी बहनों ने अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया था, पर हमने उनसे कोई लिखित रूप से कागज नहीं बनवाया, हमने क्या किया, हम सीधा दाखिल खारिज करवाने गए, जमाबंदी करवाने गए और अपना नाम इंतकाल में चढ़वा लिया, अपना नाम दाखिल खारिज के अंदर चढ़वा लिया, पर बहनों का नाम उसमें आज तक कहीं भी नहीं चढ़ा हुआ, तो क्या ये मौखिक रूप से किया गया हक त्याग भी कानून में वैलिड माना जाएगा? अब इस चीज के लिए भी मैं रेलिवेंट जजमेंट आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों,
सबसे पहले साल 2023 मई के मंथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट की, जहां पर केवल वो हक त्याग जो रजिस्टर ना करवाया हो, देखिए है तो लिखित रूप में पर उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया, क्या कानून में उसकी मान्यता है, इस चीज का यहां पर डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले ये जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, इसके बाद मौखिक रूप से किया गया हक त्याग क्या कानून में मान्य है या नहीं ये चीज डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से आप इन चीजों से बचाव अपना कर सकेंगे, ये सारी चीज मैं वीडियो में आगे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, सबसे पहले आपको केस टाइटल यहां पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा चंद्रभागा कोहली डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस सूर्य बहन संतोष चमत्रा शिंदे डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, यहां पर सेकंड अपील नंबर है 236 ऑफ 2014, और सबसे बड़ी बात 2023 मई मंथ की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में आप लोगों के लिए लेकर आया। अब केस के फैक्ट्स में आपको क्लियर कर दूं, बड़ी ध्यान से यहां से अब आप लोगों को वीडियो देखनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर दो पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा, सूर्यवान चंद्रभागा, सूर्यवान यहां पर भाई है, चंद्रभागा सिस्टर है। देखिए इनके पिताजी का देहांत साल 1977 में हो गया था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 के भाव से ये दोनों क्लास 1 के उत्तराधिकारी बनते हैं और दोनों का संपत्ति में बराबर का अधिकार वहां पर बनता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों की मेंटेलिटी यही थी कि हमारा यहां पर इक्वल शेयर है। पर साल यहां पर मैं ध्यान दीजिएगा, साल 1986 में जो चंद्रभागा है उसने अपने ब्रदर सूर्यवान को एक लीगल नोटिस सेंड किया जहां पर संपत्ति में अपने 50% शेयर को डिमांड की गई। अब जैसे ही साल 1986 में नोटिस भेजा गया उसके बाद क्या हुआ, जो उनका ब्रदर है सूर्यवान वो उनके पास आता है, वो उनसे कहता है कि चलो हम एक पार्टीशन डीड कर लेते हैं, एक ब्लैंक पेपर देता है और उस पर उनके साइन करवा लेता है। ऐसी कंडीशन में जो सिस्टर थी चंद्रभागा उनको लगता है कि हाँ अब संपत्ति का बंटवारा यहां पर हो जाएगा, पर कुछ सालों बाद साल 1990 में एक नोटिस रिसीव होता है किसको, चंद्रभागा को, कि जो उनका ब्रदर है वो सूर्यवाहन जिनका नाम है वो संपत्ति में एकल अधिकार दिखाते हुए अपना नाम म्यूटेशन के अंदर अपडेट करवा रहा है, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है यानी कि सिस्टर को कोई ऑब्जेक्शन है चंद्रभागा को तो वो आकर अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। अब सिस्टर को यहां पर समझ में आया कि उनको जो पार्टीशन डीड के बहाने से दस्तावेज पर साइन करवाए गए थे एक्चुअल में वो एक रेलिंक्विशमेंट डीड तैयार करा ली गई जिसमें उनकी सिस्टर का हिस्सा रिलीज करा दिया, रेलिंक्विश करा दिया। नाउ दोस्तों इस चीज से परेशान होकर सबसे पहले इस म्यूटेशन पर रोक लगवाई गई जहां पर सिस्टर ने यही ऑब्जेक्शन दिया कि यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया था मुझे पार्टीशन का कहकर कराया गया था किंतु बदले में रेलिंक्विश का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया। नाउ दोस्तों ये मैटर सबसे पहले ऑनरेबल सिविल कोर्ट के सामने गया, सिविल जज के सामने साल 1990 में। अब दोस्तों सिविल जज के सामने यही क्वेश्चन रखा गया कि सर प्रेजेंट केस में ये रेलिंक्विशमेंट डीड जो बनवाई गई है ये धोखे से बनवाई गई, एक्चुअल में हमसे पार्टीशन का कहकर एक दस्तावेज पर साइन करवाया गया जहां पर बाद में इन दस्तावेजों को यहां पर इस तरीके से रेलिंक्विशमेंट के तौर पर तैयार करा लिया गया, इसके अलावा जो ये दस्तावेज तैयार हुए हैं वो प्रोविजन को मीट नहीं करते हैं क्योंकि एक रेलिंक्विशमेंट का दस्तावेज रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नाउ दोस्तों जो अपोजिट पार्टी है यानी कि सूर्यवाहन उनका कहना है कि सर हमने बहुत पहले ही रिवेन्यू रिकॉर्ड में मेरा नाम अपडेट हो चुका है और उसको हुए भी 14 साल से ज्यादा समय हो गए हैं, मेरी सिस्टर शुरू में ही अपना हिस्सा रिलीज कर चुकी है क्योंकि जब मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाया अगर मेरी सिस्टर को कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो उसी समय आगे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती थी, ये तो केवल कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है और मुझे हरासमेंट की जा रही है। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुनकर ये मैटर ब्रदर के फेवर में यानी कि सूर्यवाहन के फेवर में साल 1997 में कर दिया। अब जो सिस्टर थी चंद्रभागा इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई और आगे अपीलियंट कोर्ट के सामने चली गई। अब साल 2014 में अपीलियंट कोर्ट का भी यही जवाब आया कि प्रेजेंट केस में सूर्यवाहन के फेवर में ही होना चाहिए क्योंकि रेलिंक्विशमेंट डीड कर दी गई है, सेकंड चीज जो लंबे समय तक यहां पर एक लेडी ने विमेन ने जो यहां पर चंद्रभागा उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो वो यही कंसीडर कराती है कि उनका प्रॉपर्टी से पहले ही खत्म हो चुका था, उनका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि आपको मैं बता दूं लिमिटेशन टाइम अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट 12 सालों का है और प्रेजेंट केस में 14 साल से ज्यादा समय हो गया रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़े, तो कोर्ट ने भी यही कंसीडर किया कि हाँ वो जो सिस्टर है अपना हिस्सा रिलीज कर चुकी थी। नाउ
वो जो चंद्रभागा नाम की महिला थी वो अब आगे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने यही इशू रेज होता है कि क्या प्रेजेंट केस में ये जो 12 साल से ज्यादा समय हो गया ये एक वैलिड कारण है सिस्टर को ना हिस्सा देना, या फिर जो रेलिंक्विशमेंट डीड है इसके बिहाफ से ये देखा जाए कि सिस्टर तो अपना हिस्सा रिलीज कर चुकी है। देखिए अब यहां पर सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस दिया। सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको ये जजमेंट क्लियर कर दूं ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया किन जजमेंट और किन प्रोविजन के बिहाफ पर फैसला दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर देखकर, आप देखिएगा जो पहली जजमेंट थी येलापू उमा महेश्वरी एंड अनदर वर्सेस बुद्धा जगदीश्वर राव एंड अदर, साल 2015 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देख लीजिएगा 16 SCC 787। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर कोई अपने अधिकारों का हक त्याग कर रहा है किसी अचल संपत्ति के लिए तो वो कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस दस्तावेज को सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के बिहाफ से इन एडमिसेबल किया जाएगा एविडेंस के तौर पर, यानी कि उनको बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और जजमेंट देखिएगा लार्जर बेंच की, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की, चिनप्पा रेड्डी गरी मुथिया रेड्डी वर्सेज चिनप्पा रेड्डी गरी वनकट रेड्डी। इसका साइटेशन नंबर है AIR 1969 AP 242। यहां पर देखिएगा सूट फॉर पार्टीशन डाला गया, उसके अंदर यही हेल्ड किया था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तो उसको केवल कोलेटरल पर्पस के लिए देखा जाएगा, यानी कि जो मेन पर्पस है जिसके लिए वो दस्तावेज दिया गया है उसके लिए उसको सेट नहीं किया जाएगा, उससे जुड़े कुछ अदर क्वेश्चन है उसके लिए उसको देखा जा सकता है, जैसे कि सर्वेंस ऑफ टाइटल यानी कि टाइटल का हक किसका है, नेचर ऑफ पोजेशन किस कब्जे के तहत वो है, शेयर्स वगैरह, इन सभी चीजों के लिए उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोलेटरल पर्पस के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप कोलेटरल पर्पस नहीं समझे तो देखिए उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं प्रॉपर्टी के हक त्याग को लेकर केस है तो वो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो हक त्याग के लिए कभी भी एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा, पर अगर उस हक त्याग के डॉक्यूमेंट में कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जैसे कि कितने समय से किसका कब्जा है, उन सभी रेलिवेंसी के लिए उस कोलेटरल पर्पस के डॉक्यूमेंट को यूज किया जा सकता है, पर जो मेन इश्यू है कोर्ट के सामने उसके लिए उसे बतौर एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यह चीज ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से क्लियर कर दी थी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आखिर में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ चीजें और नोट डाउन की। सबसे पहला यहां पर जो ब्रदर है सूर्य बहान, उनका यह भी कहना है कि भाई मेरे पिताजी की एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी ना कि एंसेस्टर, मेरे पिताजी एक ऑलरेडी विल भी बना के गए हैं, चलो अगर हम त्याग नहीं मानते हम तो विल के बिहाफ से भी मैं अनर हूं, ये तो मेरी बहन केवल हरासमेंट के लिए केस कर रही है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर यही पाया कि भाई प्रेजेंट केस में जिस हक त्याग को लेकर दोनों पार्टी यहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर रही है वो हक त्याग का डॉक्यूमेंट पहली बार तो कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर आज तक सबमिट नहीं किया गया। दूसरी चीज, अगर सूर्य बहन का यह कहना है कि मेरे पक्ष में विल है तो आखिरकार क्यों उसको यह हक त्याग बनवाने की जरूरत पड़ गई, जब विल के तहत तो वो ओनर ही है तो क्यों हक त्याग बनवाना पड़ा। अब ये सारी चीजें कुछ नोट डाउन की गई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस लिया गया, और आखिरी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लोज के बिहाफ से ये पाया गया कि अगर एक रेलिंक्विशमेंट डीड है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है और प्रेजेंट केस में उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तो ऐसी कंडीशन में इस अपील को एक्सेप्ट किया गया और जो सिस्टर थी चंद्रभागा उनको उनका इक्वल शेयर देने की बात की गई और प्रिलिमरी डिग्री को पास कर दिया गया। अब दोस्तों प्रेजेंट जजमेंट से आपको क्लियर हुआ कि अगर कोई भी हत्या डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट में दिखा चुका हूं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो केवल और केवल सेक्शन 49 के बिहाफ से कोलेटरल पर्पस के लिए वो दस्तावेज माना जाएगा। अब ये आ गया अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं हम ओरल हत्या मौखिक रूप से किया गया हत्या। कई बार लोग क्या करते हैं केवल सिस्टर का नाम हटवाकर अपना नाम चढ़वा लेते हैं, कोई एनओसी नहीं ली जाती, कोई गिफ्ट नहीं लिया जाता, कोई रेलिंक्विशमेंट डीड नहीं ली जाती, कोई रिलीज डीड नहीं ली जाती और केवल अपना नाम चढ़वा लिया जाता है। फ्यूचर में जाकर सिस्टर फ्रॉड दिखाते हुए उसको ऑब्जेक्शन रेस करती है कि मुझे तो मेरा हिस्सा नहीं दिया गया। अब लोग कहते हैं कि सर देखो कितना पुराना अरेंजमेंट हो चुका है, यहां तो सिस्टर मौखिक रूप से हत्या कर चुकी है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा जजमेंट आपको दिखाई देगी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 11 अगस्त 2020 की जजमेंट है। यहां पर साफ निर्धारित किया गया था कि ओरल रेलिंक्विशमेंट डीड कोर्ट में वैल्यू नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर ओरल रेलिंक्विशमेंट डीड को माना जाएगा तो पार्टी ओरली उसके एविडेंस देगी और अपोजिट पार्टी उसको ओरली डिनाइड करेगी, डॉक्यूमेंटेशन दोनों के पास ही नहीं होंगे। तो अगर एक रेलिंक्विशमेंट डीड है तो उसको ना ही ओरली माना जाएगा ना ही अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के माध्यम से माना जाएगा, प्रॉपर रजिस्टर्ड दस्तावेज एक अच्छे से एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाना अनिवार्य है ताकि फ्यूचर जाकर कोई भी आपको इश्यू फेस ना करना पड़े। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल के प्रोविजंस को देखते हैं जैसे कि आर्टिकल 116 आ गया, वहां पर एक लिमिटेशन टाइम है 12 सालों का कि अगर किसी की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो क्लेम करने के लिए 12 सालों का समय है।
अगर 12 सालों से ज्यादा का समय वहां पर एक्सटेंड कर दिया है तो यही माना जाता है कि वो अपने हिस्से में इच्छुक नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो आप इन प्रोविजन का रेफरेंस दे सकते हैं। और जो मैंने अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट बताई वहां पर भी इसी का रेफरेंस दिया गया कि भाई 14 साल से ज्यादा समय हो गया, सिस्टर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो ये एक मात्र ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसका रेलिवेंसी दिखाते हुए आप अपने केस को अपने फेवर में करा सकते हैं, वरना ओरल रेलिंक्विशमेंट और अनरजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट की कानून में कोई भी जगह नहीं होती। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली मेरे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।